मंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं चांसलर सोल्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष की मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर सोल्स के साथ हुई थी। चांसलर सोल्स के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी, तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर सोल्स को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मैं यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।